ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश से है जहां एक सरफिरा आशिक के करतूत देखने को मिली। बता दें कि अपने प्रेमिका के पति के ऊपर सरफिरा आशिक के द्वारा जानलेवा हमला कई दिन का धारदार ब्लेड से गले में बता दें कि प्रहार कई दिन का एवं प्रेमिका के पति गंभीर रूप से घटना में घायल हो गए। हम धुंधी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल मां पूजा अपना पंचे सब जनन का प्रणाम कहते शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि शिवपुरी से यह मामला सोहयाबा है जहां एक सनकी प्रेमी के द्वारा अपने प्रेमिका के पति के ऊपर जानलेवा हमला कई दिन का। इस दौरान वारदात का अंजाम दिखाते हुए युवक के द्वारा अपने दोस्तन के मदद लीन गए। बता रही कि दोस्तन के द्वारा गर्लफ्रेंड के पति के हाथ पैर पकड़े गए जिसके बाद ब्लेड से गला में प्रहार कई दिन का। प्रेमिका पति जैसा तैसा छूट के घर पहुंचा जिसके बाद परिजन के द्वारा घायल का अस्पताल पहुंचावा गया है। घटना रविवार रात का बताई जाती है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंह निवास गांव की बताई जाती है जहां आरोपी युवक के रिश्तेदारी खरई जालिम गांव में रही और एक चलते अक्सर गांव में आव जाओ बना रहा। इस दौरान जान पहचान वहां के एक रह वाली युवती से हो गए जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू होगा। वही युवती के परिजन का घटना के पता चलते युवती के शादी दूसर जगह तय कर दी गई जिसके बाद युवक के द्वारा युवती के प्यार पावे खातिर हथकंडा अपनावा गया। हालांकि युवक के द्वारा पहले प्रेमिका के पति से दोस्ती कीन गया और धीरे धीरे मेलजोल बढ़ाए के बाद प्रेमिका के पति का रास्ता से हटावे के साजिश रची गए। इस साजिश में युवक के द्वारा अपने दोस्तन के मदद लीन गए। रविवार का सनकी प्रेमी के द्वारा प्रेमिका के पति का अपने पास बुलावा गया और दोस्तन के साथ अकेले में ले जाए के गले पर ब्लेड से हमला कर दीन गया। इस मामले में युवती के पति के द्वारा जानकारी दीन गई कि बीती रात काम से लौट के अपने घरे जात रहे ही दौरान दोस्त मिल गया जहां जरूरी काम से चले के बात कही गई। दोस्त के बात सुन के मोटरसाइकिल में बैठ के दोनों निकल गए। इस दौरान बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग से कुछ दूर ले जाए के दोस्त पहुंचे जहां पत्नी से बात करवावे खातिर कहा गया। जब वजह पूछी गए तब जबरदस्ती की गए। इस दौरान मना करे पर बता दें कि चार साथी इनके द्वारा हाथ पैर पकड़ लीन गए और दोस्त के द्वारा गले में ब्लेड से हमला कर दीन गया। जैसा तैसा वहां से छूट के गले में मफलर बांध के घर पहुंचा जहां परिजन के द्वारा युवक का अस्पताल में उपचार खातिर भर्ती करवावा गया है। इस मामले में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया के कहा है कि आरोपी के द्वारा युवक के गले में ब्लेड से हमला कीन गया है। आरोपी के सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके तलाश शुरू की जा चुकी है। तो सजग रही सतर्क रही रखी आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम। अब मामला पंजीबद्ध करके आरोपी की तलाश कर रहे हैं और उसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। जैसी स्थिति होगी जो भी बिंदु विवेचना में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। Hello. Isn't she asking for more? Isko malum hai bandi Arena Animations hai. Oh, she's from Arena Animation. We have many Arena students working with us overseas. Congratulations. You're hired. अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। अरीना एनिमेशन डिमांड में रहोगे।